हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में देखो हमने देखा था कि दीर्घवृत्त के जो नियतक समीकरण क्या आता है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई आता है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में भी याद करेंगे कि जो दीर्घवृत्त है उसकी नाभिक की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आते हैं। क्लियर? तो नाभिक का कोऑर्डिनेट के लिए प्यारे छात्रों क्या करते हैं कि एक और दो हैं, आप क्या करो दो में से एक को घटा दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दो माइनस एक से ये समीकरण दो है और ये समीकरण एक है। तो दो में से किसको घटाओ आप? एक को घटाओ तो कितना आएगा? देखो यहाँ से एस ए डैश माइनस एस ए बराबर कितना आएगा? ई कॉमन आ जाएगा, ए डैश एच माइनस ई एच। क्लियर यहाँ तक? अब देखो एस ए डैश माइनस का एस ए, तो भाई क्या आएगा? ये एस ए डैश माइनस का ऐसे, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? ए डैश एस। तो अब ऐसे कर लो, भाई ए डैश एस है, ए डैश एस, तो आप इसको लिख सकते हो ए डैश, ये चीज मेरे को ए डैश एस। तो इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ से मेजर करो, यहीं से इसी पॉइंट से मेजर करो, तो इसको ऐसे लिख लो आप सी ए डैश, ये दूरी सी ए डैश और प्लस सी एस, प्लस में सी एस माइनस, क्योंकि ऐसे और है और माइनस का ऐसे, तो ऐसे को भी यहीं से मेजर करो सी ए माइनस का सी एस। तो इसको लिख लो सी ए माइनस का सॉरी, तो इसको लिख दो सी ए माइनस का सी एस इक्वल टू ये है ई। और भाई इसको ऐसे लिख लो, ये देखो ए डैश ये पूरा एच और इसमें से क्या घटा दो, ये एच घटा दो, तो ए डैश एच में से यदि ये पूरा चला गया तो ये बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये ए डैश है, तो यहाँ लिख लो ए इंटू ए डैश। और इसकी वैल्यू कितनी है? ए डैश की वैल्यू हम पहले लेके चल रहे हैं, कितनी है इसकी वैल्यू? टू ए। तो इसको ऐसे लिखो और सरल कर लो। अब देखो सी ए, ये सी ए और सी ए डैश दोनों तो क्या है? बराबर है, क्योंकि हम यहाँ लेके चल रहे हैं, तो ये इससे कट गया। क्लियर? तो यहाँ से देखो सी एस और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये टू सी एस हो गया। तो कितना हो गया? टू सी एस ई। और ए डैश की वैल्यू कितनी है? टू ए है। देखो टू से टू कट गया, तो सी एस कितना आ गया हमारे पास? सी एस इक्वल टू ए ई। सी एस कितना आ गया हमारा? ए ई आ गया। सी एस कितना आ गया हमारा? ए ई आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से देखो क्या करना था हमें, केवल दो में से एक को घटाना था। दो में से एक को घटाकर मेजर कहाँ से करेंगे? सी पॉइंट से मेजर करना, एस ए डैश एस ए डैश है, तो यहाँ से मेजर करो सी ए, है ना, सी ए डैश प्लस सी एस ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी ऐसे की? तो सी ए माइनस ये घटा दो तो यही तो बचेगा, तो मैंने ये लिखा है, ये लिखने का केवल तरीका है। तो यहाँ से सी एस आ गया, सी एस सी एस, ये डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास? कितनी आ गई ये डिस्टेंस हमारे पास? ए ई कितनी आ गई? ए ई और जी। तो यहाँ से ये आइडिया लग गया कि जो नाभि है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, कि दीर्घवृत्त की नाभि के निर्देशांक, दीर्घवृत्त की नाभि के निर्देशांक। आगे माइनस प्लस का ए। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि नाभिक किस प्रकार से फाइंड करते हैं दीर्घवृत्त। अब देखो प्यारे छात्रों, यहाँ पर कि परवलय में तो केवल एक ही नाभि आ रही थी, और यहाँ पर हमारे पास दो नाभि आती है, एक सी के राइट साइड में और एक सी के लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ से भी तो हम बात कर सकते हुए। क्लियर? तो यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे, उसको भी इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। तो यदि एक नाभि ए ही आ रही है तो दूसरी नाभि इसकी रिवर्स आती है, वो क्या आती है? माइनस का ए जीरो आएगी। क्लियर? तो ये तो इसकी दो नाभि कौन कौन सी हो जाएंगी? माइनस का ए जीरो, यदि एक नाभि एस आ रही है तो दूसरी नाभि कौन सी होती है इसकी? एस डैश होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम नाभि के निर्देशांक आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से कि जो दीर्घवृत्त है उसकी नाभि के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं।
तो आपको केवल केवल इतना करना है कि आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है इस सी पॉइंट से मेजर करनी है, क्लियर। यदि आप सी पॉइंट से मेजर करेंगे तो आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो ये तो थी हमारे दीर्घवृत्त के नाभि के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से फाइंड करते हैं, क्लियर। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दीर्घवृत्त की नियता का जो समीकरण है वो फाइंड आउट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे छात्रों आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।